अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन कश्मीरी बिरयानी की रेसिपी। आपने बिरयानी तो बहुत बार बनाई होगी, लेकिन ये सिंपल सी दिखने वाली बिरयानी खाने में इतनी लाजवाब कैसे हो सकती है? तो वीडियो को बिना स्किप के बगैर देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। ये रेसिपी जो बिरयानी की बन के तैयार होने वाली है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है। तो इसको बनाना तो एक बार बनता है तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। वेलकम टू माई चैनल फिरदोस्तन, में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। 1.25 किलो मटन यहाँ पर हमने ले लिया, जिसको अच्छे से वॉश कर दिया था। यहाँ पर हम मटन से बनाकर तैयार कर रहे हैं। अगर आपको चिकन पसंद है तो चिकन से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सीधे इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे, क्योंकि मटन को गलाना पड़ता है। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं ना, इसे आप तपेली में बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में तेल डाल दिया था। तेल में सीधा ही गर्मा गर्म तेल में 2 चम्मच भर कर डाल देंगे यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ना, ये पूरी तरीके से निकल जाए। उसके बाद इसमें यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था, तो यहाँ पर हमने 3 से 4 टमाटर का पेस्ट बनाया था। इसको डालने पर इसको भी अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि जो टमाटर होता है ना, इसका खुद ही पानी रिलीज करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें खुद पानी रिलीज कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा जाएगा, बाकी हम खड़े मसाले यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में यूज करेंगे कुछ इस तरीके से बनाने के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट में मैं जरूर से जरूर बताना मटन कश्मीरी बिरयानी की रेसिपी आपको कैसे लगी है। पानी डालने के बाद उसको हमने साइड में कर दिया है। यहाँ पर एक बाउल रखेंगे, इसमें डालेंगे सबसे पहले 1 से 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। बिरयानी है तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर हमने अलग अलग यूज किया है। तो 1 चम्मच से ज्यादा यहाँ पर लहसुन का पेस्ट था, 1 चम्मच से ज्यादा अदरक का पेस्ट था, और 3 से 4 चम्मच भर कर डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट। इस तरीके से मतलब जब हम कश्मीरी बिरयानी बनाते हैं तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट लगता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसमें स्वाद अनुसार नमक जाएगा, जीरा जाएगा, और लौंग इलायची जाएगा, थोड़ा ज्यादा जाएगा, 2 बड़ी इलायची जाएगी, 2 स्टार फूल, 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े। इन सारे मसालों को हम क्या करेंगे, अच्छे से पूरे तरीके से मिला लेंगे। इसी मसाले में जो हमारे पिसे हुए मसाले ना, उनको भी ऐड करना। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच भरकर डालेंगे बिरयानी मसाला। और इन सारे मसालों को क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे पूरी तरीके से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये बिरयानी हम कैसे बना रहे हैं। थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन बनते बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तभी हम क्या करें ना, गर्म गर्म जो हमारा प्रेशर कुकर में चढ़ा हुआ है ना, यहाँ पर जो पेस्ट है, गर्मे गर्म पेस्ट में हम ये मसालों को डाल देंगे, और इन मसालों को भी हम अच्छे से पकाएंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो हमारी कुकिंग है ना, ये जल्दी हो जाए। इसलिए अभी हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से चला लेंगे और मिला लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करके रखा था। अब बिरयानी है तो प्याज तो लगेगी सही, तो यहाँ पर हम प्याज को पूरी तरीके से ब्राउन करके रखे थे, इसको हम डाल देंगे। लेकिन जब आप प्याज को ऐड करना ना, थोड़ा सा मैश करके ऐड करना, जैसे यहाँ पर हमने किया है, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और हाई फ्लेम पे पकाने के बाद क्या करेंगे ना, इन मसालों को अच्छे से पूरी तरीके से इसकी भुनाई कर देंगे हम। यहाँ पर पूरी तरीके से जब भुनाई हो जाएगी तो इसमें सीधा हम मटन को ऐड कर देंगे। और मटन जब ऐड करेंगे ना, मटन को भी हमें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पूरी तरीके से मसालों के साथ अच्छे से भुनना पड़ता है, ताकि जो हमारा मटन है ये पूरी तरीके से अच्छे से भुन जाए। और मसालों के साथ भुनेंगे तो फिर आप खुद सोचिएगा कि इसका जो फ्लेवर आएगा कितना अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप देख सकते हैं, और बनती भी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बिरयानी की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने इसको पूरी तरीके से 5 मिनट के लिए भून लिया है, और भूनने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें मसाले थे तो इसमें पूरी तरीके से पानी रिलीज करेगा। अच्छा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए दही ऐड कर दीजिएगा 100 ग्राम। यहाँ पर हम दही भूल गए थे, इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया था, तो आप इसकी मत करिएगा। उससे क्या होगा ना, और भी अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे, इसमें लगाएंगे हाई फ्लेम पे सीटी, और उसको साइड कर देंगे, कूल करने के लिए रख देंगे तपेली में। पानी, इसमें जाएगा नमक, इसी के साथ में सिर्फ 5 हरी मिर्च जाएंगी, जो कि 3 लाल है 2 हरी हैं। और इस तरीके से कट करने के बाद सीधा डाल देंगे पानी में, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कुकर में सीटी भी आ चुकी है, हम आपको सीटी भी दिखाएंगे। प्रेशर कुकर में सीटी आ चुकी थी, तो इसको हमने 5 मिनट के लिए मीडियम कर दिया, क्योंकि मटन को गलाना भी बहुत जरूरी होता है। तो क्या करें ना, राइस को हमने पूरे तरीके से डाल दिया है, क्योंकि इससे पकाना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद हम राइस को अच्छे से पका लेंगे, और राइस हमें यहाँ पर
अगर खिले खिले बनाना है तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, सिर्फ इसे हमें 80% पकाना है, और 20% इसमें क्या होगा ना, जब हम इसको दम लगाएंगे ना तब ये पूरी तरीके से जो राइस है ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने राइस को भी पूरी तरीके से छान लिया है, और छानने के बाद क्या करेंगे ना, इसको हम साइड कर देते हैं और मटन को चेक कर लेते हैं। तो मटन हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से गल चुका था, तो इसमें भी थोड़ा सा पानी है, तो हम क्या करेंगे इसे रखेंगे हाई फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा देर के लिए रखेंगे, 2 मिनट में इसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे, तो ये पूरी तरीके से इसकी जो ग्रेवी ना पूरी तरीके से तैयार है मटन। अभी सीधा हम क्या करें ना, एक बड़े इसे तपेली में ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लेयर में नहीं लगाना, बहुत ताम झाम नहीं करना, बहुत सिंपल सा दम लगाना है इसमें आपको, और बहुत ज़्यादा देर के लिए दम भी नहीं लगाना है। पूरा मटन ऐड करने के बाद क्या करेंगे ना, सबसे पहले राइस ऐड कर देंगे, और राइस में हम लगाएंगे 2 लेयर, लेकिन बहुत ज़्यादा ताम झाम कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पर आपको फूड कलर ऐड करना है। अगर आपके पास केसर कलर है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, उससे तो और भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमने फूड कलर ऐड करने के बाद क्या किया ना, सीधा ऊपर से यहाँ पर हमने राइस ऊपर से लेयर लगा दिया। अब इसको सिल्वर पेपर से कवर कर देंगे, और इसे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाएंगे। अगर आप चेक कर सकते हैं 10 मिनट के दम लग गया, तो 10 मिनट या 10 से 15 मिनट लगाना है, और यहाँ पर पूरी तरीके से 15 मिनट हो चुके थे, तो 5 मिनट के इसको हमने छोड़ दिया था सेट होने के लिए, और 5 मिनट भी ये पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से पहले चला लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दम भी बहुत ही अच्छा लगी है, बहुत अच्छी, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी कि हम आपको क्या बताएं। यहाँ पर पूरी तरीके से हमने अच्छे से बिरयानी को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम सर्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी बिरयानी के राइस है ये भी कितने ज़्यादा खिले खिले हैं, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बिरयानी बनी हुई है। और माशाल्लाह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी मटन कश्मीरी बिरयानी की रेसिपी है ना, कितनी ज़्यादा कलर दिखता, अच्छा, बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताना कि हमारी मटन कश्मीरी बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप सब लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए एक से एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।